क्या हम सफेद दाग के साथ नॉनवेज खा सकते हैं, और अगर हाँ तो किस टाइप का और कितनी मात्रा में हमें खाना चाहिए। आज हम इस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास डेली बेसिस पे कम से कम एक से दो क्वेरी ऐसी ज़रूर आती हैं, चाहे वो फ़ोन कॉल हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो हमारे यूट्यूब सेक्शन में कॉमेंट हो, चाहे पेशेंट ओपीडी में आके हमसे पूछे। हमारे पास डेली बेसिस पे एक से दो क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आते हैं जहाँ पेशेंट या लोग हमसे पूछते हैं कि सर क्या हम नॉनवेज का सेवन कर सकते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं कंसल्टेंट कायाकल्प ग्लोबल पे, जहां हम पिछले 30 सालों से 2 लाख से भी अधिक पेशेंट्स को कंसल्टेशन ट्रीटमेंट दे चुके हैं। हमारा हॉस्पिटल फरीदाबाद और लखनऊ में हमारे पास 2 ब्रांचेज हैं। जो पेशेंट फरीदाबाद या लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में आके दिखा सकते हैं, वो दिल्ली NCR और लखनऊ में आके हमें दिखा लेते हैं, और जो नहीं आ पाते हैं, चाहे वो बॉम्बे हो, महाराष्ट्र हो, हमारा वेस्ट बंगाल हो, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, वहाँ से वो दवाइयाँ ऑनलाइन हमें अपनी फ़ोटो भेज के मंगवा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने डाइट के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में, टॉप कमेंट में पिन कर दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसमें पूरी डिटेल में साइंटिफिकली बताया गया है कि क्या क्या चीज़ों का खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए और क्यों नहीं खानी चाहिए, फ्रॉम बोथ आयुर्वेदिक एंगल एंड मॉडर्न मेडिसिन यानी कि एलोपैथी एंगल। तो वो वीडियो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर चेकआउट करना पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारे शरीर में रंग बनता कैसे है, आखिर हमारे शरीर में पिगमेंट बन कैसे रहा है। देखिए, हमारे स्किन में कुछ सेल्स होते हैं, उनका नाम होता है मिलानोसाइट्स। ये मिलानोसाइट्स एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, मिलानिन। ये मिलानिन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्किन के कलर के लिए, और ये क्या काम करता है, ये हमें धूप की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। तो जब हमारे शरीर में मिलानोसाइट्स की कमी हो जाती है, तब हमारे शरीर में रंग नहीं बन पाता, तब हमारे शरीर में मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाता। और जहाँ जहाँ पे भी ये रंग बनाने वाले कोशिकाएं या रंग बनाने वाले सेल्स की डेथ हो जा रही है, वहाँ पे हो जाता है सफ़ेद दाग। तो ये तो था बहुत ही सिंपल लेमैन तरीके से बताना कि आखिर हमारे शरीर में रंग कैसे बनता है और वो डिस्ट्रॉय कैसे होता है। अब हम आते हैं मेन इशू पे, वो है कि क्या हम नॉन वेज खा सकते हैं सफ़ेद दाग के साथ, अगर खा सकते हैं तो किस टाइप का खा सकते हैं और कितनी मात्रा में खा सकते हैं। देखिए, हम 4 टाइप के नॉन वेज कॉमनली यूज्ड आइटम्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है चिकन। तो क्या हम सफ़ेद दाग में चिकन खा सकते हैं? देखिए, इसको हम पकड़ते हैं दोनों मॉडर्न मेडिसिन के एंगल से और आयुर्वेद के एंगल से। तो मॉडर्न मेडिसिन में कहा गया है कि चिकन, फिश, एग्स, इसमें मिलता है अधिक मात्रा में विटामिन B6 और विटामिन B12। एनिमल प्रोटीन जो होता है उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन 6 और विटामिन B12 मिलता है, और विटामिन B12 के कंजम्पशन से सन एक्सपोजर के साथ रिपिगमेंटेशन हुई है। इसके ऊपर स्टडीज़ हैं, मैं आपको वो स्टडीज़ के लिंक भी दे दूंगा अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप पढ़ना चाहें। तो मॉडर्न मेडिसिन में, एलोपैथी में, ये कहा गया है कि विटामिन B12 यानी कि कोबालमिन के कंजम्पशन से अलॉन्ग विद सन एक्सपोजर सफ़ेद दाग के पेशेंट्स में स्टडीज़ हुई है कि रंग बनाया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर मटन का क्या? देखिए, मटन यानी कि लाल मीट, रेड मीट खाने से हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि पित्त की उत्पत्ति होती है, और ये हमारे शरीर में रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे हमला करता है जो पित्त होता है, इसकी वजह से सफ़ेद दाग की उत्पत्ति हो सकती है। तो हमें ऐसा कुछ भी खाना नहीं खाना है जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर रहा है, हमारे शरीर में केमिकल स्ट्रेस पैदा कर रहा है, या हमारे शरीर के अंदर पित्त की उत्पत्ति कर रहा है। हमें ऐसा कुछ भी खाना नहीं खाना, चाहे वो रेड मीट हो, चाहे वो कच्चा टमाटर हो, चाहे वो बैंगन हो, इन सब से हमें दूर रहना है। बात आती है चिकन, फिश और एग्स की, तो उनका सेवन हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कितनी मात्रा में कर सकते हैं, क्या हम रोज़ खा सकते हैं? हम थोड़ी मात्रा में चिकन, फिश, एग्स का कंजम्पशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेद की ग्रंथों में क्या लिखा गया है। देखिए, आपने भी शायद ही अब तक पढ़ लिया होगा, क्योंकि जिसको सफ़ेद दाग होता है उसी को पता होता है कि उस पर क्या बीत रही है, और वो कितना सर्च करता है गूगल पे, यूट्यूब पे कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि एक सफ़ेद दाग के पेशेंट को लगता है कि यही वो एक ऐसी चीज़ है, उसकी डाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो वो कंट्रोल कर सकता है।
इसलिए पेशेंट खूब सर्च करता है ऑनलाइन कि आखिर वो ऐसा क्या खाए जिससे कि उसका रंग बन जाए, या वो ऐसा क्या ना खाए जिससे कि उसका सफ़ेद दाग ना बढ़े या वापस ना आए या ठीक होके वापस ना आए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉनवेज खाने से सफ़ेद दाग की उत्पत्ति नहीं होती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि सफ़ेद दाग की उत्पत्ति हो सकती है अगर आप नॉनवेज को दूध के साथ लेते हैं, पर कायाकल्प ग्लोबल पे हम ये रिकमेंड करते हैं एक साइंटिफिक और एथिकल ब्रैकेट में रहते हुए कि जिस दिन आप नॉनवेज कंज्यूम करें उस दिन आप दूध ना लें। लेकिन ऐसा कोई अभी तक मॉडर्न मेडिसिन में कोई स्टडी नहीं हुई है जहां पे ये प्रूव हो गया हो कि मिल्क और नॉनवेज के एक साथ कंजम्पशन से विटिलिगो स्टार्ट होता है। ऐसी कोई मॉडर्न मेडिसिन में तो स्टडी अब तक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप अपनी सेफ साइड पर रहने के लिए चाहें तो उस दिन जिस दिन आप नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हैं उस दिन आप मिल्क ना कंज्यूम करें। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप कायाकल्प ग्लोबल के साथ जुड़ते हैं तो रोल ऑफ डाइट इज़ ओनली 5%। ये सब जो हम बातें कर रहे हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, आखिर इसकी महत्वता क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ 5% है। 95% तो ये है कि आप ट्रीटमेंट टाइम से ले रहे हैं कि नहीं। जब आपको सफ़ेद दाग नज़र आता है, वाइट स्पॉट नज़र आता है अपनी स्किन पर, आप इमीडिएटली डॉक्टर के संपर्क में आ रहे हैं कि नहीं, क्या आपके सफ़ेद दाग के ऊपर बाल काले हैं कि नहीं। यदि आपके सफ़ेद दाग के ऊपर बाल काले हैं तो आप 3 मंथ्स में 25-30% 25-30% रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कायाकल्प ग्लोबल के ट्रीटमेंट के साथ। क्या आपको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आप रिलीजियसली डेडिकेशन के साथ सन एक्सपोजर कर पा रहे हैं कि नहीं, सुबह 10 से 2 के बीच वाली धूप आप दिखा रहे हैं कि नहीं। जो आपको डाइटरी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन बताई जाएंगी, जैसे कच्चा टमाटर नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना है, ये आप कर रहे हैं कि नहीं, ये है 95%। जो आपके लाइफस्टाइल के चेंजेस है, स्ट्रेस नहीं लेना है हमें, योगा प्राणायाम यूज़ करना है हमें ताकि हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स कम रहें, दिस इज़ 95% ऑफ द ट्रीटमेंट। फिर जो 5% बच जाता है वहाँ पे हमें दिमाग लगाना है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो मैं फिर से अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा दैट द रोल ऑफ डाइट इन ट्रीटमेंट ऑफ विटिलिगो इज़ ओनली 5-6%। आप इस चीज़ पे इतना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। मैं समझ सकता हूँ कि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, लेकिन एक और चीज़ आपके कंट्रोल में है और वो ये है कि आप सही समय पे सही इलाज ले पाते हैं या नहीं। यदि आप सफ़ेद दाग के बारे में और ऐसी डॉक्टर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके, बहुत सारी 180 वीडियो हैं हमारे चैनल पे जिस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप सारी वीडियोज़ को चेक कीजिए, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। मेंटल सेटिस्फैक्शन जब आपको हो जाए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको यहाँ नीचे आ रहा है। आप ऑनलाइन, यदि आप नहीं आ सकते हैं दिखा के तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन भी अपनी दवाई मंगवा सकते हैं। सफ़ेद दाग का इलाज अब उतना मुश्किल नहीं रह गया है, अब घर बैठे बैठे भी सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। धन्यवाद।